टेलीप्राम को मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ सबसे पहले जो बेसिक्स लेजर की हमें रिक्वायरमेंट है उन लेजर को हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो गेटवे ऑफ टेली से आपको क्रिएट पे जाना है, उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे। तो सबसे पहले जो लाइसेंस फीस है उसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइसेंस फीस का जो लेजर है वो क्रिएट कर लेती हूँ। लाइसेंस फी एक्सपेंसेस इस टैब से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको जो ग्रुप सेलेक्ट करना होता है वो हम करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो लाइसेंस फी एक्सपेंसेस है, अगर आप इसका इनवाइस रिसीव करते हैं तब इसके ऊपर आप GST एप्लीकेबल रखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप छोटे मोटे लाइसेंस फी के लिए एक्सपेंसेस देते हैं जिसका आप इनवाइस रिसीव नहीं करते हैं, पर्ची रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे आपको GST नॉट एप्लीकेबल रखना है। तो मैं दोनों टाइप की एंट्री करके आपको बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाइसेंस फी एक्सपेंसेस मैंने कर दिया है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब इसके ऊपर हम GST नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और उसके बाद अगेन हमें नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है। ये मैंने क्रिएट किया है जो कि हम विदाउट GST जिस पे कि हम छोटे मोटे लाइसेंस के लिए पे करते हैं उसका हम इनवाइस रिसीव नहीं करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। अब दूसरा मैं क्रिएट कर रही हूँ जो कि हम लाइसेंस जो है GST इनवाइस के साथ रिसीव करते हैं, उसके लिए हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्सपेंसेस ब्रैकेट में GST मैंशन कर दिया है, सो दैट जब मैं एंट्री करूँगी तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि GST वाला ये लेजर है और उसको मुझे यूज़ करना है। अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, GST के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एंड ऑल्टर GST में यस करना है आपको, इसका जो लाइसेंस इसका जो भी सर्विस का SSC कोड है वो फिल कर लीजिए। अब देखिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में अगर आप लोकल एरिया से परचेस करते हैं तो परचेस टैक्सेबल रखना है। एंड उसके बाद इसके ऊपर जो भी परसेंट टैक्स रेट है, इसके ऊपर मुझे टैक्स रेट का पता नहीं है इसलिए टैक्स रेट में रैंडमली 18% मैंने ले लिया है। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज है, स्लैम सर्विसेज लेंगे एंड इसको हम सेव कर लेंगे। अब जो बेसिक्स लेजर थे वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इसकी एंट्री जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे। गेटवे ऑफ टेली से बी प्रेस कर लीजिए। इसकी एंट्री आप चाहें तो जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं। परचेज वाउचर में आप करेंगे तो आपको टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, जर्नल वाउचर में करेंगे तो आपको टैक्स को कैलकुलेट करना होगा। अब जो लाइसेंस होता है जो कि छोटे मोटे काम के लिए हम किसी भी लाइसेंस फीस दे देते हैं, अगर आप इनवाइस रिसीव करते हैं तो कैसे करना है और विदाउट इनवाइस कैसे करना, तो सबसे पहले हम इनवाइस वाला कर लेते हैं। तो परचेज लेजर आपको सेलेक्ट करना है, चेंज मोड में जाके आपको सेम वही रखना है, अकाउंटिंग इनवाइस सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे डेट को चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट में आप इनवाइस रिसीव कर रहे हैं और जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है वो कर लीजिए। पार्टी का नेम आपको सेलेक्ट करना है, क्रिएट नहीं है तो कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने यहाँ से आपको बताया है। ऑल्ट सी प्रेस करके न्यू विंडो आ जाएगी, वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए लाइसेंस, अब देखिए मैंने दो लेजर क्रिएट किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइसेंस फी एक्सपेंसेस GST और यहाँ पे लाइसेंस फी एक्सपेंसेस। अगर आप GST वाला इनवाइस रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इसीलिए GST मेंशन किया था, तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब सपोज़ कीजिए 10,000 का आपने रिसीव किया है इनवाइस, तो 10,000 हम कर देते हैं। अब लोकल एरिया से हम ले रहे हैं इसलिए GST SGST इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इस टाइप से देखिए लाइसेंस जो GST वाला इनवाइस आपको ऐसे करना है। अब नॉन GST जैसे कि आप एक्सपेंसेस में बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम जर्नल वाउचर में इसको बुक करेंगे। जर्नल वाउचर हमने सेलेक्ट कर लिया, डेट हम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डेट में हमें करना है वो डेट हम कर लेंगे। आप यहाँ पे जो लाइसेंस हमने विदाउट टैक्स GST वाला किया था ये लाइसेंस फी एक्सपेंसेस, अब सपोज़ कीजिए आपने किसी काम के लिए किसी को लाइसेंस फी दिया 2,000 5,000 3,000 तो आपको यहाँ बुक कर लेना है। लेट सपोज हमने 3,000 दिया तो 3,000 हम डेबिट कर देंगे, कैश के थ्रू दिया बैंक के थ्रू दिया वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो लेट सपोज हमने कैश के थ्रू दिया है, नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जो लाइसेंस फी आपने दी है वो किसके लिए दी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, पहले मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग फीस, उसके बाद हमने देखा लाइसेंस GST वाला एंट्री और लाइसेंस विदाउट GST वाला।